लेकिन आपने जो टोटल जो जर्नी आपकी रही है, अब 4 अटेम्प्ट, फिर स्टेट पीसीएस के अटेम्प्ट, अब उसके अनुभव के आधार पर जो आप एक मार्गदर्शन करना चाहेंगे आने वाले लोगों के लिए, उसके लिए सबसे पहले बताइए कि प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच अपनाना चाहिए जो कई कैंडिडेट्स आराम से प्री में क्लियर कर सके। सर, एक फैक्टर जो मैंने छोड़ा, बेसिक बुक्स पढ़ना, वो बहुत ज़रूरी है। इवन मुझे तो लगता है अगर समय हो तो तैयारी में आने से पहले ही एक बार बेसिक बुक्स एनसीईआरटी या कोई भी टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए और उसको डेली टू डेली न्यूज़पेपर, कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या नेशनल डेली न्यूज़पेपर, उसको लिंक करना, कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स उठा रहे हैं तो उसके इकोनॉमिक्स वाले पेज में क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्या उनका जिक्र हुआ है कहीं हमने जो बुक पढ़ी है। तो सर, अगर हम अपने आप को लिंक करके उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, थॉट थिंकिंग प्रोसेस, थॉट्स को, तो सर वो फिर इनरिच होता चला जाता है। हमारा कोर वो बुक होता है जो गाइड करता है, और न्यूज़पेपर या दूसरा जो है वो उसमें ऐड अप करता चला जाता है। करंट ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, उसका रेलेवेंस करंट होना बहुत जरूरी। इसमें सुधाकर एक बात डिस्कस करने जरूरी है कि स्टूडेंट के मन में एक प्रेशर होता है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं और कुछ दिन के बाद हम क्या करें, तो उसके लिए आपने क्या किया जो लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, आप तो बहुत अनुभवी हो, प्रीलिम्स का पेपर मुझे नहीं लगता कि रदर देन 20-30 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस में कोई बहुत श्योर होकर बोलता है कि मुझे तो पता था इसके लिए मैंने सी किया, और वहाँ लास्ट दो ऑप्शन में फिर कैलिब्रेट करके एक को सेलेक्ट करना ही पड़ता है, और एक क्वेश्चन में नहीं होता, ऐसा 30-40 क्वेश्चंस में होता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी, बेसिकली रटने वाली जो प्रैक्टिस है वो हेल्प नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। और स्टूडेंट को जो ये लगता है कि हम भूल जाते हैं, एक्चुअली इंसान भूलता कुछ नहीं है, उसको रिट्रीव करना नहीं आता। और उसके लिए जो शायद आप एग्री करेंगे कि उसको रिवीजन की हैबिट होनी चाहिए कि पढ़ाई करें और साथ साथ में वीकली एक रिवीजन का टाइम भी अपने साथ फिक्स रखें और प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल से उसको दिक्कत नहीं है। जी सर, आपने कुछ नोट्स वगैरह भी ब्रीफ में बनाए? हाँ सर, नोट्स में मतलब कोई अगर स्टैंडर्ड बुक होती थी तो उसी को रंगने की मेरी आदत थी, जब तक उसमें जगह बचती थी साइड में उसको कलर कर दिया अपने, और जब लगता था कि मतलब अब उसमें कहीं कोने में स्पेस ही नहीं बचा तो उसमें रेफरेंस डाल के उसके एक भी कोई बुक बन जाती थी, कि लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर पूरा पढ़ डाला, उसमें और कुछ बाद में मिला तो उस चैप्टर का रेफरेंस दे करके 2-3 पेज खुद लिख डाले, अगर कहीं और आ रहा है न्यूज़पेपर से मिल रहा है, तो इस तरीके से कुछ न कुछ। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है जो आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को करना ही चाहिए कि जो किताब है उसको, कई बार स्टूडेंट झिझकते हैं कि उसमें हम ना लिखें कलर करें, उसको वो उनकी किताब है, उसमें जो जो मर्जी अपने हिसाब से समझ करके लिखते रहना चाहिए, और जो ऐड ऑन करना है तो कुछ पेज उसमें ऐड कर लें कि उसमें एडिशनल चीज़ें क्या आ जाए। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हाईलाइट करना इसलिए और भी ज़रूरी होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि अगर हाईलाइट नहीं किया तो कुछ दिन बाद हमें लगेगा ये बुक हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो कम से कम खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, मेरा ही हाईलाइट किया हुआ है, मैंने पढ़ा होगा तभी तो हाईलाइट है। तो ये मोरल बूस्टअप के लिए बड़ा जरूरी है। फिर उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है, उसको याद करना। जो पहली बार आपने मान लीजिए 10 पेज पढ़ने में जितना समय लगाया, अगली बार जब हाईलाइट किए हुए हैं तो उससे 10 times कम टाइम में आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। सर, धीरे धीरे नीचे आता जाता है टाइम। हाँ। और जो हमारा एक मेन बुक होता है ना, वो फिर हमारा पार्ट हो जाता है। इवन मतलब जब भी हम रिवीजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले 10 दिन में जिस किताब को आपने खत्म की है, अगली बार आप बैठेंगे तो एक दिन में खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा, और फिर समय आ गया जब कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। तो ये एक अपनापन किताब के साथ हो जाता है, इसलिए किताब को अपना बेस बना करके उसमें लीक कर करके और उसको रिविजन के लिए हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है।